एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमें ये बताता है फर्स्ट टू पेजेस में, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बुक में इतने अच्छे से मेंशन नहीं है, लैंग्वेज के फॉर्म में है और 8th 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके फॉर्म में है, तो नोट्स थोड़े रिफाइंड है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फर्स्ट एसिड हमें क्या, एसिड में हमें पता चलता है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, यानी टेस्ट करने में खट्टे होते हैं। उसके बाद टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सबको पता है अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ब्लू लिटमस लिटमस पेपर किससे बना होता है, लीचन से, लीचन एक प्लांट है उससे लिटमस पेपर बना होता है। फिर आता है टर्मरिक, टर्मरिक का कलर येलो होता है, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई एक सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 इंडिकेटर्स की बात करेंगे, लिटमस पेपर, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो कैसे बिहेव करते हैं एसिड और बेस में, नोट्स में हम इसमें मेंशन है, ये आपकी बुक में एक टेबल के रूप में गिवन है लेकिन वो टेबल कंप्लीट नहीं है। देखिए जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे टेबल नंबर 2.1, इसमें मेंशन है लेकिन क्लियर नहीं है, तो वो नोट में मैंने मेंशन करा। तो चलिए हम देखते हैं, एसिड सॉर होता है टेस्ट में, लिटमस पेपर को रेड टर्न करते हैं, टर्मरिक जो यानी हल्दी उसका कलर येलो होता है तो येलो ही रहता है उसका कलर अगर हम एसिड के अंदर डालेंगे, फिनोफ्थलीन कलरलेस हो जाती है, जैसे कलरलेस होता है उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगी, मिथाइलिन ऑरेंज है वो रेड हो जाएगा, मिथाइलिन ऑरेंज का जो कलर है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, तो हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि वो सब्सटेंस एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स के लिए आते हैं बेसिस, तो बेस बिटर होता है टेस्ट में, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, टर्मरिक को रेडिश पिंक करता है, फिनोफ्थलीन को पिंक करता है और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता है। तो हम देख रहे हैं कैसे दोनों में कलर्स चेंज हो रहे हैं, फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस हो रहा है, फिनोफ्थलीन बेस में पिंक हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज रेड हो रहा है एसिड में और बेस में येलो हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक में इतना कवर अप था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं।